अपने ही विभाग के इंजीनियरों से वसूली के आरोपी कार्यपालक अभियंता के खिलाफ जांच का आदेश। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह। ग्रामीण विकास विभाग विशेष प्रमंडल धनबाद के प्रभारी कार्यपालक अभियंता के करतूतों की जांच होगी। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की ओर से इस संबंध में ग्रामीण कार्य सचिव डॉक्टर मनीष रंजन को पीत पत्र लिखा गया है और प्रभारी कार्यपालक अभियंता राम प्रकाश सिंह पर लगाए जा रहे आरोपों की उच्च स्तरीय जांच कराने का आदेश दिया है। मंत्री ने आदेश में लिखा है कि इंजीनियर राम प्रकाश सिंह के द्वारा पैसे की मांग से संबंधित आरोप लग रहे हैं। साथ ही प्रमंडल में पदस्थापित अभियंताओं के द्वारा सीधे विभाग को पत्र लिखकर प्रताड़ना की शिकायत की गई है। ऐसे में ये आरोप बेहद गंभीर प्रकृति के हैं। मंत्री इन आरोपों को देखते हुए विभागीय सचिव को पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच विभाग के किसी वरीय पदाधिकारी से कराते हुए 15 दिनों के अंदर कृत्य कार्रवाई के साथ मांगा है। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जूनियर इंजीनियरों ने वसूली और प्रताड़ना का लगाया है आरोप। बता दें कि ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल धनबाद के सभी कनीय अभियंताओं ने अपने कार्यपालक अभियंता राम प्रकाश सिंह पर पैसे की वसूली का आरोप लगाया था। इंजीनियरों ने सामूहिक हस्ताक्षर से सरकार को पत्र लिखकर आरोप लगाया है कि वे पैसे की उगाही करते हैं। मन मुताबिक पैसा नहीं देने पर जूनियर इंजीनियरों को तरह तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। इंजीनियरों ने विभाग को लिखे पत्र में कहा है कि कार्यपालक अभियंता के वसूली और प्रताड़ना किए जाने से इंजीनियरों में दहशत है। ऐसे में उनका सामूहिक हस्तांतरण कर दिया जाए ताकि वे राहत की सांस लेकर अपने कार्य को कर सकें।